यहाँ के कण कण में है भगवान। जो सरयू के तट पर है विराजमान। कोई कहता रघुनंदन तो कोई कहता राम। हर दिवाली घर रोशन कर आप जिन्हें बुलाते हैं। पहली बार आया है उनका बुलावा। राम जी से मिलने का अयोध्या ही बहाना है। तो छोड़ो सारे काम, क्योंकि बुला रहे हैं श्री राम जल्द ही उदयपुर न्यूज पर। राजस्थान की प्रसिद्ध सन 1966 में स्थापित बेकरी 1580 का सोमवार को झीलों की नगरी उदयपुर में पूर्व मेवाड़ राज परिवार के सदस्य लक्ष्मीराज सिंह मेवाड़ ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर बेकरी के निदेशक साहिल शेख भी मौजूद रहे। लक्ष्मीराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर उदयपुर को यह सौगात मिली है, इसमें मैं बड़ा खुश हूँ। आज की तारीख में हम अक्सर एक दूसरे से पूछा करते हैं कि कॉफी पीने कहाँ चले, बिस्किट खाने कहाँ चले। उस सवाल का एक जवाब कहीं न कहीं इंसान को 1580 के रूम में जरूर मिलेगा। हम सबको अपने घर परिवार के साथ जाना काफी पसंद है। यहाँ आकर कुछ चीजों को चखने और देखने को मिला। इसमें कोई शक नहीं कि अब अंतरराष्ट्रीय स्तर की चीजें उदयपुर में मिल रही है। साहिल शेख ने बताया कि सन 1966 में नबी अहमद ने जोधपुर में 300 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी दुकान में इस बेकरी की स्थापना की। उच्च क्वालिटी एवं यूनिक रेसिपी से व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हुए 1996 में इस बेकरी की दूसरी ब्रांच हैदर बिल्डिंग, तीसरी ब्रांच सरदारपुरा, चौथी ब्रांच पावटा, पांचवी ब्रांच रतनदाड़ा में खोली गयी। बेकरी अपने विशिष्ट पैकेजिंग एवं उत्कृष्ट क्वालिटी की वजह से एक अलग स्थान रखती है। इस व्यवसाय को अब इनकी तीसरी पीढ़ी संभाल रही है। नहीं, सबसे पहले तो इस पावन पर, मकर संक्रांति के पावन पर ये जो है उदयपुर को एक नई सौगात मिली है, उसके लिए मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा अच्छा लगा। आज की तारीख में हम लोग अक्सर एक दूसरे से ये पूछा करते हैं कि अरे कॉफी पीवा कटे चलना, अरे वो बिस्कुट खावा कटे चलना, केक खावा कटे चलना। तो आज की तारीख में उस सवाल का जो है कहीं ना कहीं एक जवाब इंसान को जो है वो 1580 के रूप में जरूर उदयपुर के लिए जो है वो मिलेगा। बड़ी खुशी हुई, हम खुद को बहुत पसंद है घर परिवार के साथ में ऐसी जगहों के ऊपर जाना, और इसमें कोई शक की बात नहीं कि आज जो मौका मिला और जो सौभाग्य मिला यहाँ पर आके कुछ चीज़ों को देखने और चखने का, इसमें कोई शक की बात नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो चीज़ें यहाँ पर मिल रही है और वो आज की तारीख में हमारे उदयपुर की मिल रही है, उदयपुर में मिल रही है, उससे ज़्यादा खुशी जो है हमारे को हो नहीं सकती थी। क्योंकि बाहर जिस तरीके से रखी है विदेशी पैटर्न के अनुसार में, तो आपको लगता है कि चाय की चर्चा की जगह केक पर चर्चा से ट्रेंड चालू हो? बिल्कुल हो सकता है, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि उदयपुर से ही जो है ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो, आगाज हो। बड़ी खुशी होगी और उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है यहाँ पर आएँ, बैठें, चर्चा करें और अच्छे खाने के ऊपर जो है चर्चा करें।